सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे एक दोबारा मौका दे रहा है दिव्यांग जन में MD कैटेगरी वालों के लिए कि आप लोग ग्रुप डी की नौकरी कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए दोस्तों अभी रेलवे ने एक लिंक जारी कर दिया है। जितने भी RRC जोन है, आपका 15 या 16 RRC जोन है, तो सारे में दोस्तों लिंक जनरेट कर दिया है, जहां से आप लिंक को क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अब आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करा सकते हैं स्कैन करके। सो फ्रेंड्स, अभी दो तरह का प्रोसीजर यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हो। आपका जो RRC का जोन है, जैसे आप RRB अहमदाबाद से अप्लाई किए थे मान लीजिए, तो आपका RRC जोन आता है वेस्टर्न रेलवे। उसी तरह से दोस्तों हर RRB का एक RRC भी है। तो दोस्तों आप लोग को RRB में जाना है। अगर RRB में वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको RRC में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी 15-16 जोन का RRC का जोन है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से जरूर जाइएगा अगर आपको किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम होता है खोजने में। तो यहाँ दोस्तों आपको रेलवे ने दो तरह का प्रोसीजर दिया है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का या भेजने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे ने जो पहला प्रोसीजर दिया है वो क्या है, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर दोस्तों होम पे एक पेज खुल जाएगा। तो उस पेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करा के अपलोड कराना है और साथ ही साथ आपको स्पीड पोस्ट भी करना है, जिस एड्रेस में आपको नोटिफिकेशन में एड्रेस मेंशन कर दिया जाएगा, तो उस एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से कर दीजिएगा। ये आपका पहला प्रोसीजर हुआ। या किसी किसी RRC में ऐसा दिया है कि आपको एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो ये ईमेल एड्रेस में आप सारा डॉक्यूमेंट के स्कैन करा के भेज दीजिए और साथ ही साथ एनेक्सर जो फॉर्म ए है उसको भी आपको फॉर्म को भर के साथ ही साथ भेज देना पड़ेगा। तो दोस्तों दो तरह का प्रोसीजर है, पहला क्या है तो अपलोड कराने का, दूसरा ईमेल भेजने का। और दोनों केस में दोस्तों स्पीड पोस्ट जो आपको हार्ड कॉपी है वो तो आपको भेजना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों दोनों प्रोसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर हमारा आता है कि आपको कैसे आप अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, आपको साइज जो है दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट का 300 KB के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कुछ जोन में अपलोड करने का दिया है, तो जैसे आपका RRB भोपाल, तो इसका जो तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे पड़ता है। यहाँ दोस्तों देख लीजिए ये नोटिफिकेशन आया है MD के वालों को, अपलोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ PWD कैंडिडेट हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों अगर ये इस तरह का आपका नोटिफिकेशन आपके RRC में इस तरह आया है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लिंक को क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए लिंक को क्लिक कर लिए। अब दोस्तों देखिए आपको लिंक जैसे क्लिक करिए इस तरह आएगा। तो जरूरी नहीं दोस्तों सारे के इसी तरह आ जाए, जो आपका अगर आपका इस तरह आता है तभी आप क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आपको ईमेल एड्रेस जो दिया जाएगा नोटिफिकेशन में उसमें आपको सीधा सीधी भेज देना है, आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ दोस्तों आप लिंक को क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होगा। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए कि डाउनलोड एनेक्चर फॉर्म ए। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, ये तो आप नोटिफिकेशन इसको आप पढ़ लीजिए, क्या क्या सूचना है, क्या क्या इसमें मतलब जरूरी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यहाँ दोस्तों एनेक्चर फॉर्म है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपका डेटा डालने का। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये एनेक्शर फॉर्म ए है। तो यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, पोस्टल एड्रेस, और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका जो मार्क्स आया CBT मार्क्स वो यहाँ पर, किस जोन में अप्लाई किया आपने, और आपका किस प्रकार का MD कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, तो वो आपको ये किसी एक में टिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट उसका नंबर, इशूइंग किस डेट में इशू हुआ था, उसके बाद आपका इशूइंग अथॉरिटी, तो जो अथॉरिटी आपको, जैसे मान लीजिए आपका सिविल सर्जन किया था तो सिविल सर्जन लिख देना है, और उसके बाद डॉक्टर का नाम यहाँ मेंशन कर देना अगर नाम है तो। और उसके अलावा भी दोस्तों अगर कुछ है आपका रिमार्क है, जैसे मान लीजिए आपका दो सर्टिफिकेट है, एक पुराना है एक नया है, तो आप दोनों सर्टिफिकेट को यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि एक नया है एक पुराना है, और उसका रिमार्क में यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइन, डेट ऑफ प्लेस। तो ये दोस्तों आपका एनेक्चर फॉर्म ए हो गया, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एनेक्चर फॉर्म ए। तो ये सारे जोन के लिए कंपलसरी है, तो आप अपने जोन में जाइए, आपको ये फॉर्मेट वहाँ पे मिल जाएगा, एनेक्चर फॉर्म ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ।
तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर दोस्तों आपको अपलोड करने का आया है तो आपका मेल भी आया होगा, आप देखिएगा अपना मेल चेक कीजिएगा तो आपको अपना मेल भी आया होगा अपलोड करने का। अगर आपके RRC में अपलोड करने का नहीं है, सिर्फ ईमेल में सेंड करने का, तो हो सकता है आपको ईमेल नहीं आया होगा। अगर आपको ईमेल नहीं आया है तो आपको सीधा सीधे ईमेल में सेंड करना, वो आपको बताएंगे बाद में। तो दोस्तों मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो चलिए उसको मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल डाल दिया, अभी दोस्तों यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। सो फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपका इस तरह कुछ पेज खुलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल डालने के बाद कुछ इस तरह का आपका वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना क्या है स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और यहाँ दोस्तों आप देख रहे हो चूज ए फाइल लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन में आपका फाइल है, उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका एक से अधिक सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ देखिए फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एनेक्शन ए, तो यहाँ पर उसको फॉर्म को अपलोड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे जैसे जो जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, जैसे मान लीजिए आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया, तो यहाँ फोटो यहाँ जैसे अपलोड होगा यहाँ पर आपका उसको दिखने लगेगा, तो यहाँ पर दिखने लगे जैसे जैसे अपलोड करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट, देखिए सबमिट क्या है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना, सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड टाइप आया जिसमें आपका ईमेल में सेंड करना है। सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर हम नॉर्थन रेलवे का देख लेते हैं, ठीक है, जो अलाहाबाद आपका आता है इसके अंतर्गत, तो उसको दे तो नोटिफिकेशन आपको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों एड्रेस है पहले इसका, तो पहले आपको इस एड्रेस में आपको भेजना है, सबसे पहला बात अपना सारा डॉक्यूमेंट इसमें भेज देना है। और यहाँ दोस्तों ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है, RRCNRLPNR@gmail.com, ठीक है। तो इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना जितना डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, आपका एप्लीकेशन प्रिंट सबसे पहला, उसके बाद दोस्तों आपका CVT स्कोर दूसरा हो गया, और तीसरा आपका जो आपका PWD सर्टिफिकेट है वो MD का, और चौथा हो गया दोस्तों आपका फाइनली जो एनेक्शर फॉर्म है उसको। तो ये दोस्तों चार चीज़ है जो आपको अपलोड करना है या ईमेल में सेंड करना है। सो फ्रेंड्स यही पूरा प्रोसीजर था, आप जितने MD कैटेगरी वाले हैं तो यही दोनों प्रोसीजर में कोई एक प्रोसीजर आप देख लीजिएगा आपके जोन में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया है, तो यही प्रोसीजर आप लोग फॉलो करो और आप लोग अपलोड करो। हमारे चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, जल्द से जल्द आप लोग को DV और मेडिकल का बुलावा आ जाए। सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो था, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा अगली नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।